नमस्कार आंटी, कैसे हो? बहुत अच्छा। क्या हो रहा है ये सब? ये अरे बहुत अच्छा कर रहा है। बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं उसका धन्यवाद देगा जिसने ये किया है। बिल्कुल, घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है। एक घंटा आपको यहाँ से मुखाने के लिए लग जाता है। हमारा नल टूट गया, आज 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, लेटरिन बाथरूम नहीं हो पा रही है, शौच के लिए पानी नहीं है, साहब परेशान हो गए जब से। आज 4-5 दिन हो गए नल टूटे हुए, बताओ। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? ये लगा लो आज 4-5वां दिन हो गया सर। तो कल है, 5 दिन कैसे हो गए? क्या बात करो सर, ये जनरेटर को ना हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रोड चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ से ऊंचा पुल से लेके हम कट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से कार्रवाई हुई यहाँ पर, और एक दुकान है और यहाँ देखिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज का जो वीडियो है, आज भी अतिक्रमण के खिलाफ होने वाला है। तो अभी मैं इस वक्त हूँ उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के लालडांट चौराहे पे हूँ। लालडांट चौराहा सामने देख सकते हैं आप, ये है लालडांट चौराहा, और उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम की कार्रवाई बहुत तगड़ी चल रही है, और यहाँ पर दुकानों का जो बाहर का जो जितना भी एरिया आता था वो सब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर कल निशान लगाए गए, कल से फिर से कार्रवाई करिए। 12-12 मीटर यहाँ पर निशान लगाए गए हैं, और उनको नोटिस दे के हटाने को कहा है। अगर वो नहीं हटाएंगे खुद हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है व्यापारियों की राय और किस तरह से कार्रवाई हो रही है, चलते हैं। अगर आप वीडियो में नए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर वाहन है, और यहाँ पर मैं आगे कार्रवाई हुई है। देखो इनका जो बाहर का जो पार्किंग वाला एरिया था वो काफ़ी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। कल रात को यहाँ पर कार्रवाई हुई, तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, और आगे का भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यह अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है। अब पाइप लाइन है, इसको सही कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। ये शॉप थी यहाँ पर इनकी। हेलो सर, नमस्कार, ये आपकी शॉप सर? अच्छा, उनके वाले। अच्छा, आपका ये वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ये कब हुआ? ये आप ही का सामान होगा ना? हुआ कल रात। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका तो कोई एरिया नहीं आ रहा होगा, आप तो पीछे बना रहे होंगे। पीछे बना रहे हैं छोड़ के। तो क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये रोड बननी है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, हो रहा है। दुकानदार खुश है इससे? सबको सुविधा है, बढ़िया है, रोड बन जाएगी, सबके लिए अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये सामान किसका है? ये तो अतिक्रमण है ना? सामान मऊन का है, दुकान वालों का। तो इस तरीके से फैलाएंगे तो यार वो तो जब्त करेंगे ही ना, आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक जगह पर रखेंगे, अपनी जगह पर रखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो लोग कह रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है, अतिक्रमण हटना चाहिए यहाँ से। तो अभी आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसके बाहर का ना कुछ इस तरीके से नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तरह से यहाँ पर कल रात को कार्रवाई हुई, और ये मेन गेट है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये भवन का नाम है धन्वंतरी भवन, और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से पाइप लाइनें थी, ये तो सही हो जाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी नीचे तक अतिक्रमण कर रखा, आगे तक इन्होंने टाइल लगवा रखी थी, और उसको एकदम ध्वस्त कर दिया गया है कल। तो यहाँ पर ये गमले हमले भी कुछ ऐसे बिखेरे हुए हैं सकते हैं, और आगे को दिखाता हूँ मैं और क्या है यहाँ पर। ये देखिए, ये चारों ओर से यहाँ पर अतिक्रमण होगा, और ये हॉस्पिटल के बाहर इस तरह से यहाँ पर मलबा आगे तक पूरा जाएगा, और इसका गेट है, और यहाँ पर ये कुछ अर्थिंग का वायर है। अभी मैं थोड़ा सा इधर को आ चुका हूँ, कुसुम खेरा साइड को, इस तरह से कार्रवाई हुई है, और ये दुकान का जो बाहर का एरिया है ना पूरा एकदम कट कर दिया गया, इस तरीके से कार्रवाई हुई यहाँ पर। और दुकान है, और यहाँ देखिए ये पूरा रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है, यहाँ से पूरा ध्वस्त कर दिया है इसको। यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक मॉल भी है, और आगे को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी तगड़ी कार्रवाई हो रही, देखो ये रेस्टोरेंट है। कब हुआ सर ये? अच्छा अच्छा, इतना ही टूटेगा या और भी तोड़ रहे हैं? हो गया या? अच्छा अच्छा, तो ये कल रात को कार्रवाई हुई ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। ये देखो भाई की दुकान है, और इस तरीके से यहाँ पर ये मशीन चल गई है, यहाँ पर रास्ता रोका है, और आगे को दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ने देखो अतिक्रमण हो रहा है, वहीं पर ठेला लगा है। कैसे हो सर? कब हुआ ये? रात में। अच्छा अच्छा, तो आप पहले से यहीं पर लगाते थे? हाँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ नीचे गड्ढे में? तो क्या कहना है आपका, कुछ कहना है? ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है ना? अभी रोड चौड़ा हो जाएगा, रोड थोड़ी बढ़िया हो रहा है। चलो ठीक, दिक्कत है वही तो, जिसके बाद सही हो जाएगा। चलो ठीक, ये कह रहे हैं कि सही हो रहा है, और अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ और क्या है। कैसे हो सर?
कब हुआ ये? ये कब हुआ ये? ये रात को। अच्छा अच्छा, कैसा हो रहा है, सही हो रहा है गलत? आप सहमत है? हार होना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हो आप? ना ना ना। जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण है, बिल्कुल सही हो रहा है। चलो ठीक, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे यहाँ पर ये। और अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं, यहाँ पर एक मोमो का स्टॉल है और यहीं पर से ये। नमस्कार आंटी, कैसे हो? बहुत अच्छा। क्या हो रहा है ये सब? ये अरे बहुत अच्छा कर रहा है। बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे करना चाहिए, रोड चकाचक होना चाहिए। चकाचक होना चाहिए। तो लोगों ने जिस तरह से अतिक्रमण कर रखा है उससे क्या बोलेंगे आप? मैं उसका धन्यवाद देगा जिसने ये किया है। बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। तो आंटी ने बोल दिया यहाँ पर कि बढ़िया हो रहा है, जिसने भी ये किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दुकानें हैं, आप देखते हैं। हाँ सर, क्या हुआ? सर हमारे नल छूट गए, आज 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, लैट्रिन बाथरूम नहीं हो पा रही है, पहुँच के लिए पानी नहीं है साहब, परेशान हो गए जब से, आज 4-5 दिन हो गए नल टूटे हुए, बताओ। अच्छा, तो ये कार्रवाई कब हुई, कब हुई ये कार्रवाई जो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ? सर इसको हो गया करिए रात में खोदा है इन्होंने, आज 4 दिन या 5 दिन हो गया सर, मैं तो शादी में गया था और जेसीबी वाले सब तोड़ गए हमारे 2 कनेक्शन, वो टूट गए, पड़ोस वालों के भी टूट गए, उधर कम से कम यहाँ से लेके वहाँ तक 10-15 कनेक्शन पानी के टूट गए साहब। दिन से पानी नहीं आ रहा है ये लगा लो, आज 4-5वां दिन हो गया सर। तो कल है, 5 दिन कैसे हो गए? क्या बात करो सर, इनसे पूछिए। 5 दिन पहले हुई है। अच्छा हाँ, ये तो ताजा लग रहा है ना अभी, ये तो ऊपर का मलबा उठाया साहब, खुदाई तोड़ाई पहले हो गई है। 4-5 शिकायत नहीं करी सर? किससे शिकायत करे सर, गरीब की कौन सुन रहा है? सिंचाई विभाग में पानी वाला जो है सर, पानी वाले कहाँ से करेंगे साहब, तोड़ गए पीड़ी वाले। आपकी कौन सी दुकान है, दुकान कौन सी है? गैरेज सर, हमारा पीछे घर है सर। अच्छा अच्छा, तो ये इतना ही जा रहा है और आज जा रहा है सर? बहुत आगे तक जा रहा है सर। काम कैसा हो रहा है ये, काम कहने चाहेंगे जो ये नहीं काम अभियान चल रहा है वो सही कर रहे हैं, सरकार सही कर रही है, चौरीकरण होना चाहिए, उसके लिए हम समर्थन करते हैं। मगर सर एक बात है, जो हमारा नुकसान हो गया है, पाइप टूट गए, अब वो हमारा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, पाइप कहाँ से जोड़ेगा? एक बंदा जोड़ने वाला बोल रहा है भैया 2000 रुपये लूँगा, मैं कहाँ से लाऊँगा 2000 बताओ। तो आप वहाँ जाइए ना, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए, वहाँ कंप्लेंट करिए, आप तहसील में जाइए, वहाँ बैठे रहते हैं वो, उनकी टीम आएगी और सही करेगी। आप गए नहीं वहाँ? सर वहाँ नहीं गए सर। आपको जाना पड़ेगा वहाँ, आपको वहाँ कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी, सामने अधिकारी से बात करना पड़ेगा, तहसील में तुरंत, फिर वो विभाग वाले सही करेंगे इसको, आप पर्सनल पैसा से मत करिएगा इसको। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कुछ विरोध है यहाँ लोगों का? विरोध तो नहीं है सर, किसी कोई विरोध नहीं कर रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कहना है कि ये पानी का जो नल है ये टूट गया है, तो ये सही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कंप्लेंट है, विरोध कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और ये देखो ये भाई का यहाँ पर ऑटोमोबाइल का शॉप है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर तोड़ा है, पानी का नल ना छेद हो गया है, ये काम भी चल रहा है। आपका सर ठेका आपका सर? अच्छा अच्छा, तो अब आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पर एक बीकानेर स्वीट करके है, तो यहाँ पर ये लोगों ने ना ये जनरेटर बाहर रखा हुआ है, ये जनरेटर को ना हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर रोड चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ से ऊंचा पुल से लेके यहाँ तक पूरा रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो यहाँ से क्या शॉप से ये कब हुआ कार्रवाई? रात को। तो आप ये जनरेटर हटा रहे हैं यहाँ से? हटाना ही पड़ेगा। आपकी दुकान कहाँ तक जा रही है? पहले सीढ़ी तक, आगे सीढ़ी तक ना। अच्छा अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से देने को, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो इनकी दुकान जो है ये सीढ़ी तक यहाँ तक जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ तक जा रही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोड चौड़ा हो और ये जनरेटर इसको हटाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर सफाई का काम चलेगा। और आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर ना कोई भी लोग मतलब इस तरीके से नहीं बोल रहा है कि मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, लोग चुपचाप अपना सामान अंदर को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ टेम्पो वाले भाई साहब हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, तो इनको कितना जाम का सामना करना पड़ता है उतना पूछेंगे। सर आपको कितना जाम का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? अभी जाओ घंटों खड़ा होना पड़ता है, 1 घंटा आपको यहाँ से मुखाने के लिए लग जाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है जो जाम लग रहा है? अभी जिम्मेदार है ट्रैफिक वाले, हम भी जिम्मेदार है, ऐसी बात थोड़ी है। तो ये यहाँ पर जो ये अतिक्रमण कर रखा है, अगर यहाँ रोड चौड़ी हो जाएगा तो आपको जाम लगेगा? तो रोडों पर गाड़ी खड़ी जाती तभी जाम लगता है ना। लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, सामान बाहर रखा है, उसकी वजह से भी दिक्कत? सामान रख देते हैं बाहर, फिर उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जाम तो लगना ही है। तो अभी यहाँ पर सरकार तोड़ रही है इनको, आप देख रहे होंगे पूरा चौड़ा हो रहा है, तो अतिक्रमण जो हट रहा है बढ़िया हो रहा है, तो आप इस पे खुश है?
कुछ है बढ़िया, जाम कम लगेगा, आदमी का टाइम बचेगा। तो अतिक्रमण करना चाहिए भविष्य में? नहीं करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, जितनी अपनी जगह है उतने ही लो। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपका जो यहाँ से वहाँ तक मुखानी तक आप जाते हो, तो जैसे अभी एक घंटा लग जाता था, उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है? सवारी तो उतनी हुई, सवारी उतनी है, आधा एक घंटा फालतू लग जा, काम कम हो रहा है चक्कर में, तो काम ही नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो ये अतिक्रमण हटना चाहिए और रोड चौड़ी होनी चाहिए। रोड चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे टेम्पो वाले भैया ने बोला कि भाई बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोड चौड़ी हो जाएगी, हमको एक एक घंटों तक जाम नहीं झेलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जाम लगता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर रोड खाली होती, ये साइड से रोड खाली होती, तो यहाँ से वाहन चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर घंटों तक मतलब टेम्पो वालों को जाम का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहना है इनका। और देखो यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग भी लोग कर देते हैं। तो अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लोगों का यहाँ मानना है। जरा इधर को आ चुका हूँ, जो ये लाल डांड को ऊपर को रोड जाती है काठ गोदाम की तरफ, वहाँ पर ना कुछ इस तरीके से सामान पड़ा है, और यहाँ पर आधा रोड भी बन चुका है, नगर निगम ने आधा रोड बना दिया है। यहाँ पर रोड ही उगरा बिछा दिया, देख सकते कितनी चौड़ा हो जाएगा। वो साइड का भवन अभी जाना बाकी है, तो आगे का जो भी झाप उगरा होगा वो सब यहाँ पर तोड़ा जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सकरा है, देख सकते हैं आप कितनी भीड़ रहती है, यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। और यहाँ का नज़ारा देखिए, रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी रहती है, और यहाँ पर एक भवन बन रहा था और इसका भी काम रुका है, क्योंकि अतिक्रमण है। देखिए ये सीढ़ी से यहाँ से पूरा तोड़ दिया गया है, और ये दुकान देखिए ये भी बंद है। और आगे कल कार्रवाई हुई, और यहाँ पर ये लोगों ने लोहे के जो ग्रिल थे वो लगाए थे, उसको भी कुछ इस तरह से यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आगे चिकन की शॉप है, आप देख सकते हैं ये नीचे से पूरा इस तरीके से ले लिया गया है यहाँ का, ये देखिए। और बगल में ये दुकान है, इसको भी एकदम जड़ से लिया गया है, देख रहे हैं आप, ये देखिए एकदम जड़ से लिया गया है आगे तक। एक दुकान ये भी है, देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, ये देख से इस तरह। नमस्कार सर, ये कब हुआ सर ये अतिक्रमण? अच्छा अच्छा, तो इसे क्या कहेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है सर? नहीं, आपके हिसाब से क्या हो रहा है, आप अपना पर्सनल राय दीजिए, मालिक से इसका कोई लेना देना नहीं। आप इस शहर में रहते हैं, गाड़ी से आना जाना करते हैं, जिस तरह से ये भीड़ भाड़ है, तो आप क्या चाहते हैं, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है रोड चौड़ा करना? गलत किस हिसाब से हो रहा है? नहीं, आप पर्सनली बताइए। तो सामान आप दुकान में रखेंगे, रोड पर थोड़ी ना रखेंगे? थोड़ा बहुत तो रोड बनेगी तो वैसे ही मिल ही जाएगा ना फुटपाथ, तो अभी तो बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अब सरकार की ज़मीन पे तो रखोगे तो अतिक्रमण माना जाएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना ही है। अब जो आपकी पक्की ज़मीन होगी उस पर अगर आप कोई हक जमा रहा है तो वो गलत है। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ रहती है, आदमी यहाँ से मुखानी जाने तो एक घंटा लग जाता है, मानते हैं बात को? तो ये सही हो रहा है गलत हो रहा है उस हिसाब से? बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। अभी ग्राहक कोई भी आएगा तो यहाँ पर खड़े करेगा तो वहाँ तो जाम लगेगा ना, तो आप ये मान रहे हैं कि सही हो रहा है, सरकार के खिलाफ नहीं है? चलो धन्यवाद। तो ये देखिए आगे को भी यहाँ पर दुकानें हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं, और यहाँ तक हो रहा है ये। कैसे हो? और यहाँ तक आगे तक ये दुकान टूटेगी, आप देख सकते हैं यहाँ आगे तक पूरा जाएगा ये, और वो साइड का भी पूरा, यही लाल डांट एरिया में रहते होंगे, बिटोरिया में रहते। तो यहाँ ऊंचा पुल से लेके यहाँ तक चौड़ीकरण हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? जिस तरीके से लोगों ने देख सकते हैं आप, वहाँ पर कितना सामान बाहर रखा है, उधर भी बाहर रखा हुआ है सामान, तो कह रहे हैं यार नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है कह रहे हैं, तो किस हिसाब से गलत हो रहा है? रोड तो चाहिए, जाम में फंसे रहते हैं लोग। अगर आप यहाँ से मुखानी जाते हो कितना घंटा लगता है आपको जाम में? बहुत लग जाता है, जब जाम लगता है तो बहुत टाइम लगता है, एक घंटा लग जाता है पूरा। तो ये जो अतिक्रमणकारी है, सरकारी जमीन पर कब्जा रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसको हटाना चाहिए सरकार ने। आगे को जब करेंगे तो क्या करना है? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट पहले प्रोसीजर बनाए कि ऐसा ऐसा अतिक्रमण न करा कर उस हिसाब से कार्रवाई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जब हमने पूरा निर्माण कर दिया उसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे, इस पर क्या कहेंगे? ये तो पहले पता ही होगा, क्या कहते हैं, जो लोगों ने किया है कि हमारी जगह नहीं, हमारी जगह नहीं है, इसमें नहीं करना चाहिए, वो किया है तो टूटेगा वो गवर्नमेंट का। वो कह रहे हैं यार थोड़ा सा दुकान के आगे जगह होनी चाहिए सामान रखने के, इतना अंदर कहाँ रखे हैं, ऐसा कहना है यहाँ का? अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये तो गवर्नमेंट जाने,
कि अभी लोग जा रहे हैं जिसको दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हमको हो रही है ना पब्लिक को, रोड में तो हमें चलना है। पब्लिक को तो जाना ही पड़ता है रोड में, उनको तो दिक्कत होती है। अतिक्रमण हटना चाहिए। हाँ होना चाहिए, जगह हटना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी आने जाने में असुविधा होती है। तमाम तरीके क्या कहते हैं एक्सीडेंट वल्ला पल्ला ये चीज़ें होती है, जगह जगह सामान बिखरा होता है, दिक्कत तो होती है। कुछ इस तरीके से कहना था लोगों का, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है हमको और आने जाने की प्रॉब्लम होती है, तो अतिक्रमण हटना चाहिए और यहाँ तक पूरा ऊपर तक हटने वाला है और ये सामने का भी हटने वाला है। तो गाइस अभी मैं लालडार चौराहे पे हूँ और यहाँ की जो भी जनता थी मैंने सारा कुछ यहाँ पर पूछा, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन था और किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में आप अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लगभग अधिकतर वीडियो मेरे अतिक्रमण के खिलाफ भी होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।